हेलो एवरी वन दिस इज डॉक्टर अंजलेश माई YouTube चैनल आदर्श आलिया आज का हमारा वीडियो थोड़ा अभी जो सीरीज पे हम चल रहे थे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के उससे थोड़ा हट के है इट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेरी ऑफ सम असिस्टेंट प्रोफेसर किस असिस्टेंट प्रोफेसर का असिस्टेंट प्रोफेसर सॉरी का रिक्वेस्ट आया है कि एंथमोलॉजी uh, के किन एरियाज में रिसर्च के लिए टॉपिक uh, सेलेक्ट किया जा सकता है तो टॉपिक मुझे आज का ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा और मेरे काफ़ी करीब भी मुझे महसूस हुआ क्योंकि मेरा अपना भी जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो है एंटोमोलॉजी मैंने भी एंटोमोलॉजी में ही स्पेशलाइजेशन किया हुआ है हालांकि रिसर्च एरिया मेरा एनवायरमेंट पर और लिमिनोलॉजी पर चला गया था थोड़ा इकोलॉजी से रिलेटेड स्टडी ऑफ वाटर पे हो गया था बट इंटोमोलॉजी काफी दिल के करीब है काफ़ी इसमें हमने बहुत काम किया था और uh, हमारा इंटरेस्ट भी था तो एक्चुअली वही होता है कि रिसर्च के लिए जो सबसे बड़ी uh, सबसे पहली जरूरत होती है जो आपके गाइड हैं वो किस एरिया में आपको काम कराना चाहेंगे तो एनी uh, anyway, हमारा जो हमारी जो क्वेरी है वो इंटमोलॉजी के फील्ड्स के बारे में ही है तो हम उसी पर बात करते हैं इंसेक्ट का वर्ल्ड बहुत खूबसूरत है बहुत सुंदर है बहुत रंग बिरंगा है और बहुत बड़ा है इनफैक्ट अर्थ पे जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रुप्स हैं जितने भी लिविंग ग्रुप्स हैं राधा उनमें शायद सबसे बड़ा ग्रुप है इंसेक्ट्स का और बहुत सारे तो जो हमारी रो रोज की रोजमर्रा की भाषा में बहुत सारे ऐसे भी कीड़े मकोड़ों को हम जो जनरल कीड़े मकोड़े ही कहे जाते हैं हालांकि साइंटिफिकली वो अब इंसेक्ट क्लास इंसेक्टर से बाहर रखे गए हैं जैसे दीमक हुए फिर स्कॉर्पियन हुआ बिच्छू हुआ प्रॉन हुआ बहुत सारे ऐसे हमारे दिनानुदिन में हमसे जिनका सामना होता रहता है जिन्हें हम ज्यादातर इंसेक्ट की कैटेगरी में रख देते हैं बट न, वो इंसेक्ट्स नहीं है सो हाउ हम अभी इंसेक्ट की बात कर रहे हैं तो इंसेक्ट्स आर द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑक्यूपाई अ मोस्ट फैसिनेटिंग वर्ल्ड बहुत सा उनका आ, फैसिनेटिंग वर्ल्ड है बहुत बेनिफिशियल्स हैं बहुत फ्यूरियस हैं बहुत खूबसूरत हैं बहुत हर वाटर हो लैंड हो एयर हो सब तरफ फैले हुए हैं इंसेक्ट्स आप तो हम जानते हैं इंटोमोलॉजी का मतलब है साइंस दैट डील्स विथ इंसेक्ट्स इंटोमोन का मतलब है इंसेक्ट और लॉगी का मतलब है साइंस तो वो ब्रांच है जूलॉजी का एंटोमोलॉजी जो इंसेक्ट से डील करता है और जैसे मैंने आपको बताया कि पहले अराग नीड्स मायरिया पोर्स फ्रस्ट्रेशन्स ये सब को भी हम रोजमर्रा की भाषा में इंसेक्ट्स के ही कैटेगरी में रखते हैं सॉरी सो दिस वाइडर मीडिंग में स्टिल बी कंटिन्यूड इन फॉर्मल यूज बहुत सारे फील्ड की तरह ही इंटुमोलोजी अगर हम रिसर्च की बात करें या करियर ऑप्शंस की बात करें तो इंटुमोलोजी कहने को इंसेक्ट का दुनिया बताता है बट इंसेक्ट इन फैक्ट अगर हम देखें तो आज विज्ञान या ज्ञान का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इंसेक्ट से अछूता हो इंसेक्ट का मैनिफेस्टेशन इंसेक्ट के का effect, कोई ऐसा एरिया नहीं है जिस पर नहीं हो आप उनको कोई भी फैकल्टी कह लीजिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स इकोनॉमिक रिलेटेड हो माइ एंशंट हिस्ट्री रिलेटेड हो तो कोई भी ऐसा एरिया नहीं है ज्ञान का या विज्ञान का जो इंसेक्ट से अछूता हो तो इसलिए रिसर्च अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स चुन सकते हैं रिसर्च के लिए तो एक बार जरूरी है कि कि एक ओवरव्यू कर लें एंटोमोलॉजी के, के अंदर हम पढ़ क्या क्या सकते हैं सॉरी <coughs> तो जैसे इट इज द एंटोमोलॉजी ओवरलैप्स विद अ क्रॉस सेक्शन ऑफ टॉपिक्स एज डाइवर्स एज बहुत सारे एरियाज हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जेनेटिक्स का भी एरिया है जिसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स तक हम जा सकते हैं बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट्स न्यूरो साइंस ऑफ इंसेक्ट्स बायो मैकेनिक्स ऑफ इंसेक्ट्स बायोकेमिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स सिस्टमैटिक्स इंसेक्ट का वो एक अलग एरिया है इंसेक्ट्स की सिस्टमैटिक्स से पूरी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम होगी उनका फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स मालूम होगा फिजियोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी इकोलॉजी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मॉर्फोलॉजी फॉरेंसिक साइंस एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पेस्ट कंट्रोल टॉक्सिकोलॉजी प्लांट इंसेक्ट इंट्रैक्शन मेडिकल साइंस वेटनरी साइंस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पब्लिक हेल्थ पैलेंटोलॉजी इवन यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस छूटा हुआ है बहुत सारे अभी हम आगे भी देखेंगे कि बहुत सारे फील्ड्स बल्कि कोई भी ऐसा एरिया नहीं है फॉरेंसिक साइंस जो अपराध शाखा है अभी इंसेक्ट्स की डीएनए स्टडीज के बेसिस पर आ, क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में भी इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं तो दीज आर द दराइटीज एंड द वेरियस फैक्ट्स बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बारे में 1.3 10 10,000 भी ज्यादा इंसेक्ट्स इन, के बारे में ये एक अनुमान है कि इतने ज्यादा इंसेक्ट स्पीसी अवेलेबल हैं दुनिया में तो इनका इंटरेक्शन ह्यूम के साथ बहुत तरह के फॉर्म्स में है तो सी कि हम इंसेक्ट्स uh, के कितने फॉर्म्स और कितने एरियाज़ हैं जिनमें इंसेक्ट के बारे में या इंसेक्ट से रिलेटेड हम पढ़ सकते हैं एग्रीकल्चर एंड पब्लिक हेल्थ बायोलॉजिकल कंट्रोल दिस शुड बी पेस्ट कंट्रोल इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल या हम पेस्ट कंट्रोल लार्जर एस्पेक्ट एस्पेक्ट में पेस्ट कंट्रोल करके भी इसको जान ये टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें जिस पर अब पेस्ट कंट्रोल पहले पेस्टिसाइड से भी किया जाता था बट उनके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए हैं तो अब हम ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल पर बायोलॉजिकली पेस्ट को कंट्रोल करें तो पेस्ट जैसा हमने बताया था इसके पहले भी हम देख के आए कि बहुत सारे हार्मफुल एरियाज हैं फ्यूरियस एरियाज हैं वो अनाज बर्बाद करते हैं वो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं वो इसलिए उनका मेडिकल एरिया है, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे एरियाज़ हैं, फील्ड क्रॉप है है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एंटोमोलॉजी है इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इंसेक्ट इकोलॉजी इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट इंसेक्ट रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट सिस्टमेटिक्स सॉरी इंसेक्टिस एंड एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी इंसेक्टिस टॉक्सिकोलॉजी मैनेजमेंट ऑफ बेस्टिंग प्लांट इनसेक्ट इंटरैक्शन पॉलीनेटर हेल्थ साइंस लिटरेसी में इंसेक्ट के बारे में हमेशा बहुत सारा ज्ञान है बहुत सारी बातें जानने की बहुत सारी उत्सुक उत्सुकताएं हैं तो साइंस लिटरेसी uh, एक जनरल एस्पेक्ट हो गया जिससे रिसर्च टॉपिक कितना आपको मिलेगा आप, ये जनरल नॉलेज uh, के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वेटरनरी एंटोमोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस एंड इंसेक्ट्स पैथोलॉजी एंड इंसेक्ट्स देन डिजीज बायोलॉजी एंड इकोलॉजी अब ये कुछ डायग्राम्स मुझे मिल रहे थे तो मैंने डाल दिया है जो डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी में आप कितने तरह से के फील्ड में हम आ, काम कर सकते हैं बायो रिसर्च के एरिया के क्लिनिकल रिसर्च मेडिकल साइंस एनवायरमेंटल साइंस एनिमल साइंस फार्मास कंपनीज माइक्रोबाइल क्वालिटी कंट्रोल बायो केमिस्ट्री बायो स्टैटिस्टिक्स फॉरेंसिक साइंस टॉक्सिकोलॉजी पैथोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का एरिया तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अब हो गया है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब बहुत तरह के चेंजेस ला रहे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि सारा आ, सारे नॉलेज का गढ़ हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एंड बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम मिला करके देखें तो बहुत डेप्थ में रिसर्च के टॉपिक्स चुने जा सकते हैं सो इन कमिंग स्लाइड्स यही जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया है बायोलॉजिकल कंट्रोल कैन प्रोवाइड सेफ परमानेंट सॉल्यूशन टू इंसेक्ट पेस्ट अब इंसेक्ट पेस्ट आई थिंक जो इंटमोलॉजी पढ़ के आए हैं उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि पेस्ट क्या है ऑफ कोर्स जो भी नुकसान करते हैं जिस तरह से बॉडी को कई तरीकों से ह्यूमन वर्ल्ड को ह्यूमन से रिलेटेड जो एरियाज हैं प्लांट्स हैं एग्रीकल्चर है हॉर्टिकल्चर है फॉरेस्ट्री है लाइफ स्टॉक्स हैं हर एरिया जो ह्यूमन से रिलेटेड है उनको इंसेक्ट वन और अदर वे नुकसान जब पहुंचाता है तो वो पेस्ट का काम करेगा और उनको पेस्टिसाइड से तो कंट्रोल करने की काफ़ी टेक्निक्स एडवांस हो चुकी है बट ये भी अब देखा गया है कि वो पेस्ट को तो कंट्रोल करते हैं वो मेडिसिन वो ड्रग्स वो केमिकल्स बट वो और ज्यादा हेल्थ हजार क्रिएट कर रहे हैं तो अब ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है बायोलॉजिकल कंट्रोल पर तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है रिसर्च uh, मेथोडोलॉजी के लिए रिसर्च के लिए तो यू कैन गो फॉर दिस इसमें से आप बहुत सारे टॉपिक्स uh, चुन सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से आप टॉपिक्स रिसर्च के लिए मेडिकल साइंस में एग्रीकल्चर साइंस में इंडस्ट्रियल साइंस में एनवायरमेंटल साइंस में चुन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका जो आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं आपके आसपास जहां पे आप काम करेंगे आपका जो वर्किंग माहौल है वहां कितनी तरह की उपलब्ध हैं उनके बेसिस पर आप आ, सेलेक्ट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से टॉपिक्स फील्ड क्रॉप एंटोमोलॉजी दैट मे बी इट इट मे बी कॉल्ड एज द रूरल एंटोमोलॉजी अर्बन एंटोमोलॉजी अब एंटोमोलॉजी को दो uh, प्लेस ऑफ स्टडी के हिसाब से दो भागों में बांटा जा सकता है अर्बन एंटोमोलॉजी जो शहर में या मॉडर्नाइज एरिया जहाँ पे हैं थोड़ा सो so कॉल्ड ज्यादा आधुनिकता जहाँ विकास जहाँ पे हुआ है वहाँ के इंसेक्ट वर्ल्ड को स्टडी करना अर्बन एंटोमोलॉजी हो गया और थोड़े ग्रामीण इलाकों में फील्ड में खेती और उससे रिलेटेड एरियाज में रूरल uh, एंटोमोलॉजी उसको कह सकते हैं तो फील्ड क्रॉप एंटोमोलॉजी लार्जली बहुत एकदम अब ऐसा भी नहीं है कि फूड से रिलेटेड और फील्ड क्रॉप एंटोमोलॉजी सिर्फ रूरल एरियाज में ही आएंगे बट लार्जली डेफिनेटली एग्रीकल्चरल फील्ड्स रूरल एरियाज में ही रहते हैं तो वहां पे एसेंशियल फूड एंड स्टोरेज फॉरेज क्रॉप्स जो चारा पशुओं का होता है खाना ये सब इंसेक्ट्स और माइट बाग्स ये सब बहुत सारे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बग्स का तो पूरी एक आ, ऐसा संसार है जो कोई भी एरिया नहीं है माइट्स बग्स ये सब तो हर एरिया को हमारे अफेक्ट करते हैं तो उन एरिया से आप टॉपिक चुन सकते हैं मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस पेस्ट इन मेजर रिसर्च इज़ अ मेजर रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑफ इनि डिपार्टमेंट विथिस ऑफ अल्फाल्फा ये एक तरह का आ, प्लांट है दैन कॉर्न ड्राई बीस सोरगम ज्वार सोयाबीन शुगर बीट्स वीट वेजिटेबल्स ग्रेन सीरियल्स पेस्टो जितना भी आ, जितना ह्यूमन को इन्फ्लुंस करने वाले आस्पेक्ट हैं सब में इंसेक्ट के पेस्ट आ, उनको अफेक्ट करते हैं तो उनसे हम चुन सकते हैं देन फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी हमने पहले भी देखा अभी ये इसको काफ़ी वन ऑफ द लेटेस्ट एरियाज में है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यूरोप वगैरह में बहुत ज़्यादा हो रहा है जहां एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ा हुआ है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी पे रिसर्च एरिया आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं कितनी फैसिलिटीज हैं बट ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है जिसमें कि डेड बॉडी का uh, में जो बग्स वगैरह इंसेक्ट्स डेवलप कर जाते हैं उनके डीएनए की स्टडी एंड डेड बॉडी की स्टडी मोलिकुलर स्टडी से ये कम पता लगाया जा सकता है कि कितना पुराना uh, वो केस हो सकता है क्राइम का केस हो सकता है इस तरह के बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन uh, में अब फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी एक बहुत ही लेटेस्ट ब्रांच है बर्कस डिटरमाइन द टाइम ऑफ डेथ अब इसका डिटेल्स के लिए आप रिसर्च के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप टॉपिक्स पर डिस्कस डेप्थ में आपको जाना होगा इंटरनेशनल एग्रीकल्चर या अगेन या आपके एरिया में कितना अवेलेबल है फैसिलिटीज उस पर डिपेंड करेगा इंसेक्ट इकोलॉजी स्टडी ऑफ फाइव इंसेक्ट्स एंड अदर आर ऑर्थ्रोपोर्ट्स इंटरेक्ट देयर इन्वायरमेंट ये एक इंटरेस्टिंग एरिया है जिसपे आप काम कर सकते हैं अगर आपके पास फैसिलिटीज हैं और इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए तो आप एनवायरनमेंट में आपको स्टेशन चुनने हैं और थोड़ा लिमिटेड स्टडी ही रखना बेहतर होता है ताकि आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी रहे और आप डेप्थ में काम कर सकें तो इंसेक्ट इकोलॉजी से आप टॉपिक्स चुन सकते हैं रिसर्च इन डिपार्टमेंट एड्रेसेस पॉपुलेशन डायनामिक्स ये पर्टिकुलर किसी एक डिपार्ट यूनिवर्सिटी के का डिटेल्स मुझे मिला था तो मैं वो उनसे मैंने दिया है तो बट ये सारे एरियाज अगर अवेलेबल हैं तो कोई भी इनको चुन सकता है अपने रिसर्च के लिए कोई रिसर्चर ट्रॉफिक लेवल फूड यूटिलाइजेशन रिलेशनशिप मॉडलिंग बिहेवियर ये सब चुन सकते हैं इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट aims to develop and implement environmentally sound sustainable practices to reduce the impact of insect pests insect pests are pe very advisable sugarcane sugar cane pest jo bhi aapke, uh, paddy ke, uh, field wheat pest, pest, corn cereals livestock horticultural crops urban environment forests it's area mein pest को कंट्रोल करना एक बहुत वास्ट एरिया है जिसमें आप टॉपिक्स आराम से आपको मिल सकते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स इस पे भी आप रिसर्च के लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं पेस्टिसाइड्स के इफेक्ट्स बैड इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने का uh, के एरिया में बहुत इंटरेस्टिंग एरिया हो सकता है अगर आप इन पे टॉपिक्स चुने तो अब ये इंसेक्ट सिस्टमेटिक्स पर टैक्सोनॉमी पर रिसर्च एरिया के लिए तो बहुत ज्यादा अब जैसे ये तो वही बता रहे नॉर्थ अमेरिका में यू एन एल ये लेबोरेटरी है जिनपे बहुत सारे रिसर्च कलेक्शन है तो ये प्रैक्टिकल कितना है ये आपको अपनी परिस्थितियां देखनी होंगी रिसर्च इंक्लूड सिस्टमेटिक स्टडीज ऑन मेनी डाइवर्स टैक्सा स्पेशली बीटल्स बीटल्स अभी बहुत ज्यादा

एनवायरमेंटल uh, टॉक्सिकोलॉजी एक एरिया हो सकता है इंसेक्ट्स एनवायरमेंट पे किस तरह का टॉक्सिक डालते हैं और इंसेक्टिसाइड टॉक्सिकोलॉजी एक अलग एरिया है जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए पेस्ट को मारने के लिए जो एरियाज यूज uh, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस यूज किए जा रहे हैं वो उनका कितना है सकता है दैट इज अनदर एरिया ऑफ रिसर्च आप अच्छे से चुन सकते हैं द फोर रूट ऑफ एक्सपोजर आर स्किन आई माउथ एंड स्किन तो माउथ एंड नोज होना चाहिए यहाँ नोज से वैसे इंसेक्ट्स कम एंटर कर सकते हैं okay. देन मॉलिकुलर जेनेटिक्स अगेन दिस मॉलिकुलर जेनेटिक्स एरिया में आप रिसर्च का टॉपिक अगर आप चुनते हैं तो आपके पास कितनी फैसिलिटीज हैं वर्क करने की वो एक काउंट करेगा प्लांट रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट इस ये प्लांट इंसेक्ट इंट्रैक्शन प्लांट रेजिस्टेंस टू इंस्ट्रैक्शन पॉलिनेटर हेल्थ ये जो एरियाज हैं इन एरियाज पर आप टॉपिक चुन सकते हैं और उन पर सक्सेसफुली

सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वेटनरी एंटमोलॉजी दैट इज लाइफ स्टॉक प्रोटेक्शन जो आपके पेट्स हैं लाइफ स्टॉक मतलब ह्यूमन uh, के जिस भी तरह के एनिमल्स के साथ वो एसोसिएशन में है लिविंग uh, वो एज अ होल हम कह सकते हैं लाइफ स्टॉक दैट इज कैटल्स हो गए पेट्स हो गए हर तरह की पोल्ट्री हो गई तो दे आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट मस्ट बी मैनेज अब ये नेब्रास्का के स्टडी के बेसिस पर है पर ये हम अपने इंडिया में भी इस पर कर सकते हैं वर्क ऑन देयर बायोलॉजी इकोलॉजी बिहेवियर बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट मैनेजमेंट सो दिस अगेन दिस दिज आर द एरियाज केमिकल इकोलॉजी डिजीज बायोलॉजी इकोलॉजिकल एप्लीकेशन अप्लाइड इंटमोलॉजी में हम देख सकते हैं पॉलिनेटिव बायोलॉजी पॉलिनेशन एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट है इंसेक्ट का जिससे पॉलिनेशन से प्रपिगेशते uh, uh, हैं द प्लान्ट उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंसेक्ट्स दैन पॉलिनेशन से कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्लावर सैप्स वगैरह क्योंकि ज्यादातर इंसेक्ट्स अपने आप में हर भी वोर होते हैं एक्सेप्ट फॉर द फीमेल इंसेक्ट्स जैसे कि मलेरिया की फीमेल ब्लड सक करती है पैरासाइट्स ऑफ कोर्स काफी हैं इंसेक्ट्स बट ज्यादातर इंसेक्ट्स अः हर भी वोर होते हैं हालांकि वो कार्निवोर वोर से भी खतरनाक नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने आप में वो किसी बीमारी के मुख्य कारण नहीं है बट वो वेक्टर का बहुत काम करते हैं और बहुत तरह की बीमारियों को हेल्थ ज्यादा इंसेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसलिए उस एरिया में आप काम कर सकते हैं अब अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन में रिसर्च प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट ऑफ एंटोलॉजी एंट्रोमोलॉजी ये भी किसी एक कि यूनिवर्सिटी का डि, डिटेल्स था जो मुझे लगा कि मैं आ, आपको भी सजेस्ट कर सकती हूँ कि इन एरियाज में भी आप अपना रिसर्च uh, का के टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं इंसेक्ट मॉरिकुलर बायोलॉजी फिजियोलॉजी जेनेटिक्स इंसेक्ट बिहेवियर इकोलॉजी वॉल्यूशन पेस्ट मैनेजमेंट अप्लाइड इकोलॉजी अब इनमें किन किन एरियाज में आप काम कर सकते हैं ये मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में दे दिया है आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं सो आई थिंक कि मैंने आपको बहुत ज्यादा टॉपिक्स प्रोवाइड करा दिए हैं आप इनमें से अपनी अब आता है रिसर्च जब जो करेंगे उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होता चाहिए तो इस पे तो हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पे पूरी सीरीज में बनाना चाहती हूँ देखूँ कब शुरू कर पाती हूँ सबसे पहले जब रिसर्च के लिए आप चुनिए तो सबसे पहला टॉपिक चुनते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको कम से कम दो साल का काम रेगुलर इंटरवल पे रिजल्ट्स ओरिएंटेड काम करना है तो अपना स्टेशंस जो आप चुनिए उसकी सुविधा से टॉपिक चुनिए दूसरा जो टॉपिक आप चुनिए सोसाइटी को उससे क्या मिलेगा हमेशा रिसर्च का फर्स्ट मोटो होना चाहिए कि आप सोसाइटी को क्या फायदा है तो दूसरा एस्पेक्ट ये होना चाहिए और तीसरा व्हाट नेक्स्ट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ योर वर्क फ्यूचर को जरूर आपको एक्सप्लेन करना चाहिए तो आई थिंक आई हैव गिस्फैक्ट्री आंसर टू योर क्वेश्चन So, with this, I end here. Give your suggestions, give your comment.